नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विघ्नेश। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल स्ट्रीट व्यू के बारे में। गूगल स्ट्रीट व्यू जो कि एक प्लेटफॉर्म है जिसपे गूगल के जो मैप्स है वो आपको आर्टिफिशियल तरीके से एक विजुअल रूप देते हैं आपकी लोकेशन को। मतलब जिस भी जगह आप जाना चाहते हैं उसकी पहले से उस जगह की जानकारी अगर आपके पास हो तो आप कॉन्फिडेंसली उस प्लेस पे जा पाएंगे, जा सकते हैं कि ये प्लेस आपके जाने के लिए ठीक है या नहीं है, ये आप उससे इंश्योर कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम इंडिया में क्यों रन नहीं हो रहा है उतने फ्लुएंटली तरीके से, हुआ यू कि अप्रैल 2013 को गूगल ने गूगल स्ट्रीट व्यू एप्लीकेशन वेबसाइट जो कुछ भी है ये लॉन्च किया। उसके बाद में 2015 में गूगल ने इसे इंडिया में एनरोल करना चाहा। उसने अप्लाई किया, इंडियन गवर्नमेंट से अप्रोच किया कि हमें आपकी जो स्ट्रीट्स है, आपकी गलियां है, उनमें रिकॉर्ड करना है, उनको रिकॉर्डिंग करना है ताकि वो गूगल मैप्स पे अवेलेबल हो सके और यूजर्स को अच्छा फीडबैक मिल सके। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय उसको रिजेक्ट कर दिया। बाद में फिर से गूगल ने अप्लाई किया मार्च 2018 को, वो एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट हो गया लोकसभा में। उस पे कहा ये गया कि अगर आप ये रिकॉर्डिंग हमारे स्ट्रीट्स पे करते हो तो हमारे जो यूजर्स हैं, मतलब जो इंडिया में, इंडिया के जो सिटीजन्स है जो कि इंडिया में वंडर कर रहे, घूम रहे यहाँ वहाँ रस्तों पे, वो लोग उन कैमरा में कैप्चर्स होंगे, कैमरा में कैप्चर्स होंगे, उनकी प्राइवेसी अफेक्ट होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ होता क्या है। गूगल स्ट्रीट व्यू ऐप में होता ये है, अगर आप फिलहाल आपको गूगल स्ट्रीट व्यू चेक करना है तो चलती है हम गूगल मैप्स पे। गूगल मैप्स पे जाने के बाद ये जो नीचे साइन दिख रहा है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, स्ट्रीट व्यू इनेबल हो जाएगा, स्ट्रीट व्यू ब्राउज स्ट्रीट व्यू। तो अभी स्ट्रीट व्यू में हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ स्ट्रीट व्यू अवेलेबल है। तो ये देखिए, ये इन इन देशों में स्ट्रीट व्यू अवेलेबल है, बांग्लादेश। अभी आपको मैं दिखाऊंगा जो कंट्रीज जहाँ पे स्ट्रीट व्यू अवेलेबल है। तो ये वो कंट्रीज है जिन्होंने स्ट्रीट व्यू में खुद से अप्रोच लिया और अपने डेटा को प्रोवाइड किया, जिससे होता ये है टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से कंट्री को फॉरेन करेंसीज मिलती है, फॉरेन करेंसी मिलने के इकोनॉमिक चांसेस बढ़ते हैं, इकोनॉमिकल पोजिशन बढ़ती है कंट्री की। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए इंडिया को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो अभी ये देखिए आप बांग्लादेश में ये स्ट्रीट्स दिखती है, भूटान में स्ट्रीट्स दिखती है, इधर हम यूएस, कनाडा, यूके सब जगह जाए तो वहाँ भी ये स्ट्रीट्स दिखती है। अब एग्जांपल के स्ट्रीट व्यू में दिखता क्या है मैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं सैन फ्रांसिस्को। अभी ये रैंडम मैंने सिलेक्ट कर लिया है, कोई भी एक स्टेट जहाँ पे स्ट्रीट व्यू इनेबल है आप वहाँ पे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने सैन फ्रांसिस्को को सिलेक्ट कर लिया है तो हम जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को। अगर सोचिए, मानिए मगर मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना है, मुझे सैन फ्रांसिस्को में कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, वहाँ पे क्या टूरिज्म के लिए स्पॉट्स है, उनकी जानकारी लेनी है, तो मैं उसके लिए अभी पहले सर्च करूँगा। सर्च किया तो मुझे उस जगह का एक्चुअल व्यूज़ कैसे है, क्या है, वो देखना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मुझे स्ट्रीट्स व्यू दिखेगा। आप देख सकते, ये देखिए ये पूरा स्ट्रीट का व्यू दिखता है। अब देखिए हम सैन फ्रांसिस्को में कौन सी लोकेशन पे है वो हमें दिख रहा है, एक्चुअल में दिख रहा है, जैसे कि हम वही रास्ते पे, वही रोड पे अभी एनरोल कर रहे हो। ये हम स्ट्रीट व्यू में गए, इसे निकल कर ये देखिए एक्चुअल दिखता है हमें। नेट कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। देखिए एक्चुअल में ये प्लेस कैसी दिखती है, क्या दिखती है, उसका 360 पैरानोमा, 360 शॉट्स पिक्चरिंग एंड उसे लिंक करते हुए, मतलब आप रास्ते पे चल रहे हो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद ही वहाँ पे मौजूद हो, कहाँ, ये सारा फील्स आपको मिलता है गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू इस फंक्शन पे। तो इंडिया ने इसे अप्रोच नहीं किया और NDTV की रिपोर्ट की माने तो NDTV अभी ये कह रहा है कि गूगल स्ट्रीट व्यू स्पेस स्टेशन को भी एक्सप्लोर करने वाला है इसी फंक्शंस के थ्रू। मतलब ये जो आप
मतलब ये जो गलियां आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हमें इस पे घूमना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये ओपन हो जाएगी। देखिए आप, ये यहाँ एरो आ रहा है, देखिए एक देख सकते हैं, इस पे इस जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा ये सामने जाएगा और मुझे एक्सपीरियंस देगा कि ये वहां की गलियां, मतलब वहां के रास्ते कैसे है, वहां के लोग एक्चुअल में कैसी फैसिलिटीज यूज करते हैं, एमिनिटीज कैसी है, फैसिलिटीज कैसी है, वो जगह टूरिज्म के लिए ठीक है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म जो कि स्ट्रीट व्यू नाम का प्लेटफॉर्म है उस पे अवेलेबल है। तो ऐसा ही व्यू आपको स्पेस स्टेशन का भी देने वाला है गूगल, गूगल स्ट्रीट व्यू। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट क्यों किया? मुद्दा फिर से वही, इंडियन गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट क्यों किया? उन्हें लगता है कि उसकी प्राइवेसी अफेक्ट होगी, यूजर्स की प्राइवेसी अफेक्ट होगी। अगर ये रिकॉर्डिंग ऐसे होता है, मान लीजिए ये ऐसी एक वैन होती है जो रस्तों रस्तों पे घूमती है और इस पे 360 कैमरास लगे हुए होते हैं, जीपीएस के सेंसर्स लगे होते हैं, एक अच्छी क्वालिटी से वो सारे 360 डिग्री में कैप्चर्स करते हुए आगे आगे बढ़ती जाती है, हर एक स्ट्रीट से वो आगे आगे बढ़ते हुए हर एक मूवमेंट को कैप्चर करती है। तो इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे जो बाकी जो कार्स, यहाँ पे सराउंडिंग जो पीपल्स होंगे, जो जो कि स्ट्रीट में घूम रहे होंगे, कुछ शॉपिंग कर रहे होंगे, जो कुछ भी कर रहे होंगे, तो उनका डेटा, उनकी प्राइवेसी अफेक्ट होगी। तो गूगल ने पहले ही क्लियरिफाई किया है, अगर इसमें कोई ऐसा सेंसिटिव कंटेंट आता है जैसे कि अभी इस इमेज में आप देख रहे हैं, इनमें बच्चे खेल रहे, ये इंसान स्ट्रीट पे चल रहे हैं, तो इनके फेस, इनकी आइडेंटिटी को ब्लर कर दिया गया, उनकी प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए गूगल ने उन्हें ब्लर कर दिया है, उनकी प्राइवेसी पे कोई अफेक्ट नहीं हो। ये कार्स अगर आती है तो कार्स के नंबर प्लेट ब्लर हो जाते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं इन इन सारे इंसान की आइडेंटिटी हाइड करने के लिए उनके फेसेस, जो कुछ भी आइडेंटिकल पार्ट होता है उसे वो ब्लर कर देते हैं, मतलब जो किसी की प्राइवेसी हाइड कर प्राइवेसी हेल्प करता है उसे वो हाइड कर देते हैं, जिससे कि किसी भी यूजर की प्राइवेसी अफेक्ट नहीं होगी। और ये ऐसा जैकेट होता है, ये जो माउंटेन वगैरह पे, वहां तो कार लेके नहीं जा सकते, तो ये जैकेट पहन के ऐसा पूरे स्ट्रीट में घूमते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं और वो एरिया कवर करते हैं, ये इस तरह का जैकेट होता है। अगर आपको भी लगता है कि इससे प्राइवेसी अफेक्ट होगी या नहीं होगी, या इसे इंडिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मैं ऊपर एक पोल दूंगा, उस पर आप वोट कीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये इंडिया में गूगल स्ट्रीट व्यू एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिससे यूजर एक्सपीरियंस और अच्छा होगा, या नहीं करना चाहिए कि जिससे प्राइवेसी अफेक्ट होगी। आपको लगता क्या लगता है, एक पोल दीजिए जिससे कि हम जान सके कि इंडिया में स्ट्रीट व्यू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये थी सारी गूगल स्ट्रीट व्यू की बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि ये पोल हमें बता सके कि हमें स्ट्रीट व्यू इंडिया में एप्लीकेट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स को देख सकें। थैंक यू।